ओवरथिंकिंग क्या है? आपके दिमाग में कुछ है और लगातार उस चीज के बारे में सोचते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। विचार बहुत ही गहरे होते जाते हैं और आप उससे रिलेटेड परिणाम, घटनाओं और संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसे ही ओवरथिंकिंग कहते हैं। हालांकि कुछ जगह सोचना जरूरी है, लेकिन बिना काम किए, बिना जरूरी चीजों पर भी पूरे दिन सोचते रहना गलत नहीं, बहुत गलत बात है। ओवरथिंकिंग के परिणाम, इससे तनाव बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग क्षमता कम हो जाती है। ज्यादा ओवरथिंकिंग से आदमी सोचता रहता है, करता कुछ नहीं है, इससे वो निष्क्रिय हो जाता है। यह नए सकारात्मक विचारों को ब्लॉक कर देता है, किसी की भी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। फ्रस्ट्रेशन, अवसाद बढ़ जाता है, इंसान मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है, हर चीज में शक करने लग जाता है, एकाग्रता की कमी हो जाती है, जिससे अपने रोजाना के कामों में सही से ध्यान नहीं लगा पाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कभी ना खत्म होने वाली विचारों की आंधी को रोके, क्योंकि यह ज्यादातर नकारात्मक ही होती है। ओवरथिंकिंग से बचाव। पहला, ध्यान भटका ले। जब भी ओवरथिंकिंग हो, तुरंत सक्रिय रूप से अपना ध्यान और जगह लगा ले। तुरंत कोई गाना सुने या गेम खेलने लग जाए, या फिर कुछ पढ़ने लग जाए, या फिर पुशअप्स लगाने लग जाए। इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और ओवरथिंकिंग से बच जाएंगे। दूसरा, खुद के बारे में जागरूक रहे। किसी भी चीज को रोकने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि यह हो रही है। ओवरथिंकिंग विचारों की बाढ़ है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाता है और एकाग्रता की कमी हो जाती है। ये शारीरिक और मानसिक रूप से दिख भी जाता है। इसलिए आप जब भी इस तरह के विचार आए, तो तुरंत सचेत होकर विचारों की धारा को काट दे। तीसरा, विचारों का दमन ना करें। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को दबाकर बांधकर रखने से वो और ज्यादा भड़क जाती है। जब भी ओवरथिंकिंग हो, तो जबरदस्ती विचारों को रोकने की कोशिश ना करें। इसके बजाय अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर दो। जैसा कि पहले बताया था, आप गाने सुने या फिर कुछ और काम करने लग जाए। इसे कहते हैं विचारों को मोड़ना या उनकी दिशा चेंज करना। चौथा, अपने विचारों को सिर्फ देखें। व्यर्थ के विचारों में उलझने के बजाय आप खुद एक प्रेक्षक बनके विचारों की बदतमीजियों को देखें, फिर थोड़ा उन पर हंसे और कहे कि क्यों फालतू में बिना मतलब के दौड़े जा रहा है। इस तरह आप अपने आप को उनसे अलग कर देंगे और फिर आप अपना ध्यान अपने काम पर ले आए। पांचवा, रिमाइंडर सेट करें। अपना दिमाग ऐसा होता है कि जब तक इसको दूसरे निर्देश नहीं मिलते हैं, ये डिफॉल्ट मोड में काम करता रहता है। इसलिए अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर रिमाइंडर सेट कर दो और अपने चारों ओर कुछ स्टिकी नोट्स लगा दो, ताकि बार बार आपको याद आता रहे कि विचारों के घोड़ों को विश्राम देना है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये भी ओवरथिंकिंग रोकने का अच्छा तरीका है। छठवां, ध्यान लगाना। ओवरथिंकिंग के आदत को हटाना एकदम तो पॉसिबल नहीं होता है, यह अपने दिमाग को रिसेट करने जैसा है। इसके लिए आपको ध्यान करना है। ध्यान करते समय आपको अपनी सांसों पर फोकस करना है। आप काउंटिंग 1, 2, 3 पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आप 5 से 10 मिनट ऐसा करें, बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहें। ध्यान करते समय विचारों की आंधी आए तो घबराए नहीं, क्योंकि शुरुआत में बहुत परेशान करेगी, ये धीरे धीरे कम होगी और खत्म हो जाएगी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसी भी आदत को बदलने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। इसलिए वर्तमान पर फोकस करते हुए लाइफ को एंजॉय करो। अभी क्या चल रहा है उस पर सोचो। अपने अतीत या भविष्य की चिंता को साइड में रखें और बस डटे रहें, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है।